हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक महान वैज्ञानिक की चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, क्योंकि इनके इस टॉपिक से भी, जिस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यहाँ से भी कई एंट्रेंस एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनके में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने का प्रयास नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूँगा जहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात तो आती है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ की। सर मैं बात क्यों करूं कि इनका क्या इनका एनसीईआरटी में वर्णन है? जरूर वर्णन है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 11 चैप्टर 8 में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जीवित कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। तो एक क्वेश्चन तो यहां से क्लियर हो गया कि जीवित कोशिका की, मैं कोशिका की खोज की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं जीवित कोशिका की खोज की बात कर रहा हूं। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। तो पहला बिंदु यही है कि जीवित कोशिका की खोज है ना। यदि आपसे कोई सीधा क्वेश्चन पूछे कोशिका की खोज किसने की, तब आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो वास्तव में सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज की थी। किंतु प्रॉब्लम ये थी कि उनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी, वो कॉर्क के थ्रू खोजी गई थी है ना। किंतु जो इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो सेल कैसी थी? नॉन लिविंग नहीं थी, लिविंग थी, अर्थात जीवित कोशिका पर इन्होंने कार्य किया, जीवित कोशिका की खोज की, इसलिए इनको जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को मिलता है। दूसरा बिंदु क्या है? इन्होंने सर्वप्रथम ह्यूमन स्पर्म सेल की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था? यदि ह्यूमन स्पर्म सेल की खोज करने की बात की जाए तो वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ही थे। दूसरे, बैक्टीरिया की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था? तो याद रखना, बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ थे। और तीसरी, आरए प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोअन की सर्वप्रथम खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तब भी इन्हीं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ का ही नाम आता है। तो अब बात आती है, सर एक बात बताइए, ह्यूमन स्पर्म की खोज करने वाले साइंटिस्ट भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ हो गए, बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन की भी खोज ये कर रहे हैं, अर्थात ये तीनों के तीनों कैसे हैं? सूक्ष्म जीव है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके आधार पर इनको क्या कह सकते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का फादर कह सकते हैं। तो माइक्रो ल्यूवेनहॉफ ने, हाँ ये देखिए यहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहते हैं किनको? ल्यूवेनहॉफ को। लेकिन एक सबसे अच्छा फैक्ट था कि जिसको आज हम लोग स्पर्म बोलते हैं, जिसको आज हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको आज हम लोग प्रोटोजोन्स कहते हैं, इन्होंने ये नाम नहीं दिए थे, इन्होंने इन सभी को एनिमल क्यूल कहा था। क्या कहा था? एनिमल क्यूल कहा था, ये भी पता आपको होना चाहिए है ना। तो यहाँ पर आपको जो चार पाँच बिंदु देखने को मिले हैं ये सीधे कंपिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इस छोटी सी क्लास में बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के सभी टॉपिक आपको उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।